काना, काना, तुम मुझे आज साध्वी देवी सीता की कथा सुनाने वाले हो ना? तो बिना किसी भूमिका के मुझे ये बताओ कि श्री राम का निमंत्रण पाने के बाद वन से लौटी देवी सीता भूमि में क्यों समा गई? उन्हें जगत जननी क्यों कहा जाता है? और उनके दोनों पुत्र लव और कुश को श्री राम ने कैसे स्वीकार किया? राधे, इस कथा का आरंभ नैमिषारण्य से होता है। भगवान, मैंने अवश्य ही ढेर सारे पुण्य किए होंगे जो मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला। राम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा चरित्र इतना पावन है, इसमें डूबकर मुझ जैसा साधारण मनुष्य भी असाधारण बन गया है। भगवान, अयोध्या राजप्रसाद में रुककर हमें अपनी सेवा का अवसर दे। राम, मैं यहां इन दोनों कुमारों को पहुंचाने आया हूं। ये कुश है और ये लव। इन दोनों का कंठ बड़ा सुरीला है। ये आज इस राम राज प्रसाद में मेरे द्वारा रचित रामायण का काव्य पाठ करेंगे। कुश, लव, ये अयोध्या का राज दरबार अत्यंत पावन है। तुम दोनों यहां वहां घूम फिर कर बड़े आनंद से रामायण का काव्य गान करोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। राम, अब मैं प्रस्थान करूंगा। लव कुश को छोड़कर वापस अपने आश्रम लौट गए।
कि ये दोनों बच्चे देवी सीता के ही पुत्र हैं। वनवास में रहते हुए देवी सीता पुत्रों को जन्म कैसे दे सकती है? देवी सीता ने पाप किया है, उनको अपने पापों का दंड मिलना चाहिए। आपको न्याय करना होगा महाराज, न्याय करना होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, यदि सीता तुम्हारी माता है तो तुम्हारे पिता कौन है? आप ही हमारे पिता। इस बात का क्या प्रमाण है? हाँ, इस बात को हम कैसे मान लें कि वनवासी सीता से जन्मे दोनों पुत्र श्री राम से जन्मे हैं? प्रमाण दो। हाँ, हमें प्रमाण चाहिए। माता कौशल्या स्वयं इस सभा में आकर देवी सीता को निर्दोष कहकर उनकी शुद्धता को स्वीकार करें तो हम भी इस सत्य को मान लेंगे। ऋषिवर, आप स्वयं जाकर कल प्रातःकाल भगवान और जनक नंदनी सीता को अपनी शुद्धता प्रमाणित करने के लिए सभा में आने का निमंत्रण दें, जिससे सीता की शुद्धता जन जन में प्रमाणित हो और हम दोनों के माथे पर लगा ये कलंक दूर हो जाए। ये अनुचित है, एक नारी पर अत्याचार है ये। अपनी शुद्धता की अग्नि परीक्षा मेरी पुत्रवधु सीता पहले ही दे चुकी है। राधे, माता कौशल्या श्री राम के इस निर्णय से सहमत नहीं थी। राज आज्ञा का पालन हो। ये कैसा राजधर्म? तेरे प्रश्न का उत्तर दे राम, तेरे हृदय ने तुझे एक बार भी नहीं कचोटा। कैसा पिता है राम, जिसकी ममता ने अपने बच्चों को सामने देखकर भी कचोटा नहीं। संसार जानता हो या ना जानता हो, परंतु तुम ये जानते हो कि वनवास जाने से पहले सीता गर्भवती थी। मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ माते। मैं जानता हूं कि सीता निष्पाप निष्कलंक, सीता की पवित्रता के सामने सीता की पवित्रता के आगे गंगा भी मैली है। सीता की शुद्धता के सामने तो अग्नि भी अशुद्ध है। जानते हुए भी तो शांत है ना? माता, राजा का अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, प्रजा की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। जब तक एक भी प्रजाजन के भीतर सीता के प्रति संदेह रहेगा, तब तक मैं सीता को स्वीकार नहीं कर सकता। संदेह का कोई अंत नहीं है राम। संदेह का अंत करने के लिए ही माता मैंने भगवान को निमंत्रण दिया है। मेरे जन्म से पहले ही मेरी कथा लिखने वाले भगवान के प्रमाण पर अयोध्या वासी अवश्य ही विश्वास करेंगे। शुद्धता की परीक्षा क्या इस समय ये उचित होगा ऋषिवर? अब हमें आज्ञा दीजिए ऋषिवर। जाने से पूर्व देवी सीता को निमंत्रण देते जाइए ऋषिवर। क्षमा कीजिए भगवान, इस समय मैं देवी सीता का सामना नहीं कर पाऊंगा। आप उन्हें लेकर यज्ञ भूमि में पधारें, वहीं पर मुझे देवी सीता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज्ञा दे भगवान। पुत्री, तुमने सदा राम राज्य की कीर्ति रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। तुम्हें आज एक बार फिर से राम राज्य की कीर्ति रक्षा करनी है। राम सभा में तुझे अपनी शुद्धता की शपथ लेनी है। पुत्री, श्री राम की इच्छा है कि
प्रजा में एक भी विरोधी स्वर ना रहे। वे तुझसे बहुत प्रेम करते हैं पुत्री, परंतु पति होने से भी पहले वे एक राजा है और राजधर्म को निभाना उनका कर्तव्य है। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, जिससे प्रजा के बीच उठे प्रपंच का सदा के लिए अंत हो सके। राम राज्य की कीर्ति रक्षा और प्रभु के लिए मेरी हर श्वास समर्पित है। मैं आपके साथ चलूंगी गुरुदेव। आज इस भूमि को साक्षी मानकर आपको एक वचन देती हूँ गुरुदेव। कल के बाद मुझ पर लगने वाले सारे आरोप, कलंक सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। श्री राम तो सत्य को जानते थे कि लंकेश्वर रावण ने देवी सीता का हरण किया ही नहीं था। काना, तुम्ही ने तो मुझे देवी वेदवती की सत्य कथा सुनाई थी। महाराज, कुशध्वज की पुत्री देवी वेदवती ने अपने माता पिता से कहा था। तुम किसकी बात कर रही हो पुत्री? वही जो मेरे रोम रोम में बसे हैं, मेरी हर श्वास में उनका नाम है। मैंने अपने होने वाले जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। मेरा अगर विवाह होगा तो केवल उनसे होगा। श्री हरि विष्णु ने स्वयं देवी वेदवती को वरदान देते हुए कहा था कि भविष्य में हमारे किसी अवतार की पत्नी बनने का सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। रावण के छाया डालने पर देवी वेदवती ने उसे श्राप देते हुए कहा, तू चाहे कितनी भी शिव कृपा बटोर ले, परंतु मैं तेरी मृत्यु खींच कर तेरे सामने लेकर आऊंगी और मैं तेरे साथ तेरे कुल के अंत का कारण बनूंगी। काना, तुमने ही तो कहा था कि सीता हरण से ठीक पहले कि देवर्षि नारद की योजना अनुसार देवी वेदवती देवी सीता से मिलने गई और उन्होंने देवी सीता से कहा था, मैंने रावण को मृत्यु द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आप मेरी अग्नि में प्रवेश करें, मैं आपका रूप लेकर अग्नि से बाहर आऊंगा। रावण आपका नहीं, मेरा हरण करेगा। देवी वेदवती का आग्रह मानकर ही देवी सीता ने अग्नि में प्रवेश किया था। देवी सीता के स्थान पर रावण ने सीता का रूप धारण करने वाली देवी वेदवती का हरण किया था। जिस वेदवती का हरण दुष्ट रावण ने किया था, वो भी अग्नि परीक्षा में शुद्ध होकर बाहर निकली थी। ये सारे दृश्य मैंने तुम्हें इस कारण याद दिलाए कि जब श्री राम सत्य को जानते थे तो उन्होंने फिर से देवी सीता को शुद्धता की परीक्षा का निमंत्रण क्यों भेजा? वो स्वयं भी तो प्रजा को सत्य बता सकते थे। राधे, यदि तुम पूरी कथा सुनोगी वहां पधारे। महाराजा जनक की जय। महाराजा जनक की जय। महाराजा जनक की जय। प्रणाम पिताजी। चिरंजीवी भी बाबा पुत्र, आपका स्वागत है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अवश्य।
आपने हमें देवी सीता की शुद्धता परीक्षण के लिए निमंत्रण भेजा था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा और सीता का पिता और पुत्री का संबंध है। मैंने सीता को अपनी धर्म पुत्री माना है। साधु 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 साधु। राम, तुम्हारी पत्नी सीता पतिव्रता में श्रेष्ठ है। यदि मुझसे सीता की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए कहा जाए तो मैं यही कहूंगा कि शुद्धता भी उतनी शुद्ध नहीं जितनी कि सीता है। ये सदाचारिणी और पति के चरणों को अपने हृदय में बसाने वाली है। साधो, 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 साधो। राम, राम सभा में मैं शपथ पूर्वक ये कहता हूं कि देवी सीता से जन्मे ये दोनों पुत्र कुश और लव आपके पुत्र हैं। साधु 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 साधु। और अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया है। यदि जनक नंदिनी सीता दोषी है तो मेरा तप फल खंडित हो जाए। यदि राम प्यारी सीता दोषी है तो सारे देवता मुझसे रुष्ट हो जाएं। यदि पृथ्वी पुत्री सीता में कोई दोष हो तो अभी इसी समय यमराज मेरे प्राण हर ले। राम, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव पवित्र है, इसी कारण ये मेरे आश्रम में प्रवेश कर पाई। लेकिन तुम सबको प्रमाण चाहिए था और इसी कारण मैं यहां पर आया। अब अंतिम बात कहकर तुम सबको सावधान करता हूं कि सीता की शुद्धता परीक्षण का यह पल ना केवल इस राम सभा के लिए अपितु सारे संसार के लिए असाधारण होगा। साधो, 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 साधो। भगवन, आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। आपके मुंह से निकला हर एक शब्द ब्रह्म वाक्य के समान अटल सत्य है। ये सत्य मैं भी जानता हूं कि सीता निष्पाप और शुद्ध बुद्ध है, और मैं ये भी जानता हूं कि ये दोनों जुड़वे कुमार मेरे ही पुत्र हैं। परंतु जन समुदाय और अयोध्या वासियों के मन इनके प्रति जो भाव है उसका निराकरण किए बिना मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने सत्य कहा, आज की परीक्षा असाधारण होगी। इस सभा को मेरी शुद्धता का प्रमाण चाहिए तो मैं यही कहूंगी कि यदि मैंने मन वचन और कर्म के द्वारा केवल श्री राम चरणों की आराधना की हो और यदि ये बात सत्य है तो मुझे शुद्ध प्रमाणित करते हुए भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में स्थान दें। यदि मैंने कोई पाप ना किया हो और सदा पतिव्रत धर्म का कठोरता से पालन किया हो तो मुझे पवित्र प्रमाणित करने के लिए भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में स्थान दें।
यदि कुश और लव श्री राम से जन्मे मेरे पुत्र हो तो मुझे शुद्ध प्रमाणित करने के लिए भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। तू पवित्र है पुत्री, शुद्ध है, बुद्ध है। छोड़कर न जाओ ना माँ, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। कुश, लव, यदि मैं ना गई तो ये समाज तुम्हारे पिता को लांछन और कलंकित करता रहेगा। आज ये सिद्ध हो जाने दो कि तुम्हारी माता निष्कलंक है। अन्यथा मेरा जीवित रहना राम राज्य की कीर्ति को कलंकित कर देगा। तुम्हें अपने पिता की सौगंध है पुत्रों, अपनी माता को प्रसन्न होकर विदा करो। सीते, सीता, नहीं सीता, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकती। हमें क्षमा कर दो माता, हमें क्षमा कर दो। सीता, प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांगना चाहती हूँ। आप इन सभी प्रजावासियों को क्षमा कर दें।
और इन्हें अपने पुत्रों के समान प्रेम और स्नेह दें। दोष इनका नहीं, समाज की सोच का है। आप इन्हें क्षमा कर दें। आप देवी ही नहीं, आप जगत जननी माँ जगदम्बा हैं। हम अज्ञानी आपको पहचान नहीं सके माता, हमें क्षमा कर दो। इस धरा लोक का त्याग करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुने। नारी के भीतर भी स्वाभिमान होता है। नारी सहनशील है, परंतु बार बार उसके स्वाभिमान पर ठोकर मारी जाए तो उसे कभी ना कभी दुख अवश्य होता है। मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि नारी को भी आदर और सम्मान की आवश्यकता है। जिस दिन पुरुष नारी को अपने समान मान लेगा, उस दिन कोई नारी पृथ्वी में नहीं समाएगी। किसी सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। नहीं सीते, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। पृथ्वी देवी, मेरी सीता को वापस लौटा दीजिए, अन्यथा मैं आपका सर्वनाश कर दूंगा। लक्ष्मण, मेरा धनुष, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम महादेव।
ब्रह्मदेव, आप शीघ्र श्री राम सभा में जाकर श्री राम को शांत करने का उपाय करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने क्रोध को जय करने वाले हैं, परंतु जब भी उन्हें क्रोध आता है उन्हें रोक पाना असंभव हो जाता है। इस समय श्री राम के क्रोध के कारण पृथ्वी का अस्तित्व संकट में है, शीघ्र ही जाएं ब्रह्मदेव। जो आज्ञा महादेव। श्री राम। आज जो कुछ भी हुआ वो श्री राम अवतार की आपकी निर्धारित लीला थी। प्रभु श्री राम, देवी सीता कहीं गई नहीं, अब आपकी उनसे भेंट आपके पावन क्षेत्र साकेत में होगी। प्रभु, इस समय आप अपने वैष्णव स्वरूप का ध्यान कर शांत। प्रभु, अब आप भगवान श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के उत्तर कांड का पारायण करें और अपने बाल बच्चों के साथ ब्रह्म कृपा से मैंने ये कहानी हजारों वर्ष पूर्व ऐसे ही लिख दी थी। आप ब्रह्मदेव की प्रार्थना को स्वीकार कर रामायण का उत्तरकांड सुने और निष्पाप सीता के अमूल्य धरोहर कुश और लव को स्वीकार करें। राम, इन दोनों का पालन करते समय सीता ने कभी भी इन्हें पिता की कमी का आभास नहीं होने दिया। वे सदैव इन्हें आपकी कहानियां सुनाया करती थी। अब आप भी इनका पोषण करते समय कभी भी माता की कमी का आभास ना होने दें। परंतु काना, देवी सीता भूमि में ही क्यों समाई? उत्तम प्रश्न किया है तुमने राधे। इस सत्य को विस्तार से समझाने के लिए मैं तुम्हें देवी सीता के जन्म की कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, मिथिला में अकाल पड़ा था। चारों ओर त्राही त्राही मची, सब लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। महाराज जनक से उनका दुख देखा नहीं गया। फिर एक दिन ऋषियों की आज्ञा से महाराज जनक ने वर्षा के लिए सूखी भूमि में हल जोतना आरंभ किया।
सेवकों को लगता है हल्का फल किसी वस्तु पर अटक गया है। सावधानी पूर्वक उस वस्तु को बाहर निकालो। जी महाराज। ईश्वर की कृपा से हमें ये कन्या प्राप्त हुई है और ये कन्या मिथिला राज्य की स्मृति का प्रतीक है और निसंदेह ये धरती माता की पुत्री है जो हमें अपने पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त हुई है। इस कन्या को मैं अपनी धर्म पुत्री घोषित करता हूं और हल्के अग्र भाग से प्रकट होने के कारण इस कन्या का नाम होगा सीता, क्योंकि हल्के अग्र भाग को सीत कहते हैं। इसलिए मैं इस कन्या का नाम रखता हूं सीता। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। जगत जननी देवी सीता का जन्म पृथ्वी से ही हुआ था, इस कारण उनका पृथ्वी में ही समा जाना तर्कसंगत है। वो पृथ्वी के नीचे से पाताल मार्ग से होते हुए वैकुंठ जा पहुंची। परंतु काना, जगत जननी देवी सीता पाताल क्यों गई? तुम भूल गई राधे, पाताल में उनके धर्म भाई महाराज बलि जो रहते हैं। काना, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे तो ये भी याद है कि देवी सीता ही देवी लक्ष्मी है। हाँ, जब श्री हरि विष्णु असुर राज बाली के साथ पाताल चले गए थे, तब देवी लक्ष्मी ने बाली को अपना धर्म भाई बना लिया था और चतुर देव नारद ने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया। तुम भी अपने मानव अवतार में स्त्री वियोग का भीषण दुख भोगोगे। तुम्हारी स्त्री को एक दुष्ट राक्षस हर लेगा। धन्य है जगत जननी देवी सीता और धन्य है उनका चरित्र। काना, तुमने अद्भुत कथा सुनाई। देवी सीता के भूमि में समा जाने के बाद श्री राम का क्या हुआ? राधा, देवी सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद श्री राम ने भी मृत्यु लोक का त्याग कर अपने लोक प्रस्थान किया। तो काना, मुझे श्री राम के स्वर्ग लोक गमन की पूरी कथा विस्तार से सुनाओ। वो कथा श्री राम के अद्भुत न्याय के रूप में विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि उस कथा के श्रवण मात्र से कई जन्मों के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये कथा राधे